सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगा और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। सावन में शिवजी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ भक्तगण पैदल कांवड़ यात्रा निकालते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है। आज ही गुरु पूर्णिमा है और कल मैंने कांवड़ मिले हेतु जो जितना भी हमारा पुलिस बल तैनात है हरिद्वार में, उसकी समीक्षा बैठक ली। सभी से जोनल ऑफिसर, सुपर जोनल ऑफिसर, बाकी सभी जितनी शाखाएं हैं, उन सब से गहराई से वार्ता की और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा को सुगमतापूर्वक और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना है। साथ ही साथ इस बार एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि कुछ कांवड़िए भाई जो है वो साइलेंसर निकाल करके आते हैं अपने टू व्हीलर का, और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो मोटरसाइकिल हीटअप हो जाती है और उसमें आग भी लग जाती है कभी कभी अपने आप। पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी, फिर उससे आसपास के सभी लोगों को खतरा पैदा हो जाता है। तो हमने निर्णय लिया है कि जो साइलेंसर निकाल करके आते हैं ये बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। इन ऐसी गाड़ियों को हम बॉर्डर पे ही सीज कर देंगे, उनको हरिद्वार नहीं आने देंगे। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि कृपया करके ऐसा ना करें, ये उनके लिए भी और साथियों के लिए भी खतरनाक है। सर, पुलिस प्रशासन के द्वारा आपके द्वारा क्या एक्स्ट्रा फोर्स मेजर वहाँ पे लगाई गई है, किस तरीके के सर वहाँ पर इस बार पूरी तैयारियाँ हैं सर पुलिस के द्वारा प्रशासन द्वारा? देखिए, इस बार जो है 12 सुपर जोन, 33 जोन और 130 से ऊपर सेक्टर्स बनाए गए हैं। व्यवस्था बहुत ही वृहद स्तर पर है। बाहर की भी हमने जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी 7 कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। ओवरऑल लगभग 8,000 फोर्स हमारा लगा हुआ है। तो हमारी ओर से पूरी तैयारी है और मुझे विश्वास है कि लोगों के सहयोग से और कांवड़ियों के सहयोग से ये मेला भी सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।